Hello students, welcome back to Arun's classes. Today we will discuss a poem Fire and Ice by Robert Frost. तो चलिए करते हैं. इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहते हैं. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है वो आग से भस्म हो जाएगी. तो यहाँ कवि ने फायर वर्ड का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है. फायर मीन्स एंगर एंड हेटेड, कि गुस्सा और नफरत, कि जब इस दुनिया में गुस्सा होगा, नफरत होगा, तो ये दुनिया का ऑटोमेटिकली खात्मा हो जाएगा. सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ जो है उससे ये दुनिया खत्म होगी. तो यहाँ पे जो आइस है वो किसका सिंबल है, ठंडेपन का, कठोरता का और असंवेदनशीलता का. ये ठंडापन, कठोरता या असंवेदनशीलता किसके प्रति है, समाज के प्रति है, रिश्तों के प्रति है, एक देश के दूसरे देश के प्रति है. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. अब यहाँ भी फर्दर कवि कहते हैं कि जो इच्छाएं होती हैं उससे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, कि जब इच्छाएं होती हैं तो आपका सुख और चैन जो है वो खत्म हो जाता है, आपको गुस्सा आता है, आप किसी से नफरत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी नहीं होंगी तो नेचुरली आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे लाइफ से. आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर. कहते कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो कहते हैं, उन लोगों की फेवर करता हूँ जो कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो आग से ख़त्म हो जाएगी. बट इट हैड टू पैरिश ट्वाइस. अगर इसे दो बार ख़त्म होना है, दो बार डिस्ट्रॉय होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो कवि कहते हैं कि नफरत के बारे में मैं भली भांति से जानता हूँ. टू सेव फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सर्विस. और कहते हैं कि रिश्तों में जो कोल्डनेस है, जो रिजिडिटी है, जो इनसेंसिटिविटी है, यानी कि जो ठंडापन आ गया है हमारे एक दूसरे के प्रति, जो कठोरता आ गई है एक दूसरे के प्रति, जो असंवेदनशीलता आ गई है एक दूसरे के प्रति, एक देश के दूसरे देश के प्रति, अब कहाँ क्या हो रहा है हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं से, अपने पैशन के साथ ही हमें फ़र्क पड़ता है. और जब वो हम पूरा नहीं कर पाते किसी वजह से, तो हम क्रोध और नफरत की आग में जलना शुरू हो जाते हैं. तो इस तरह से पूरी दुनिया जो है क्रोध और नफरत की आग से जो है वो जल रही है. रिश्तों में ठंडापन आ गया है, एक ठहराव आ गया है, एक असंवेदनशीलता आ गई है. तो इस पोएम के माध्यम से कवि ने एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि ये दुनिया अगर ख़त्म होगी तो फायर और आइस से होगी, यानी कि गुस्से और नफरत या फिर असंवेदनशीलता की वजह से ख़त्म होगी. तो हमें एक दूसरे के प्रति जो प्यार से रहना चाहिए एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ जो रिश्ते हैं उसमें गर्माहट होनी चाहिए, तभी ये दुनिया चलेगी. अदरवाइज़ ये दुनिया आग और बर्फ़ से भस्म हो जाएगी. तो उम्मीद करती हूँ आपको इस पॉइंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से समझ आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम.